सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज, पिछला राइड कैंसिल हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, कुछ रीजंस की वजह से। तो ठीक है, नेवरदलेस आज हम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आज हम लेने जा रहे हैं एक राइनॉक्स का टैंक बैग। तो टैंक बैग ज़रूरी है, तो लेट्स गो, आज राइनॉक्स चलते हैं, टैंक बैग लेते हैं और कुछ नया प्लान कर रहे हैं। वो अगर सक्सेसफुल हो जाए तो सही है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आज राइनॉक्स का बैग्स लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ और सामान भी लेना है, अगर वो भी मिलता है तो वो भी ले लेंगे। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। फिलहाल तो निकलते हैं, टाइम हो रहे हैं दोपहर के 12 बजने वाले ऑलमोस्ट, तो निकलते हैं। थाने जाना पड़ेगा, राइनॉक्स का स्टोर थाने में है, तो थाने जाके लेंगे हम आज एक टैंक बैग। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आज का टैंक बैग लेना ही है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार राइड पे बहुत काम की चीज़ है टैंक बैग। तो लेट्स गो, टैंक बैग लेते और निकलते हैं। चलो पहले यहाँ से घर से, क्योंकि जाने को कम से कम 1 घंटा लगने वाला है। तो चलो लेट्स गो, बाकी की बात बाइक पे करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली गाइस हमारा जो पिछला राइड था, एक्चुअली हम लोग जा रहे थे जैसलमेर और कुछ कारणों की वजह से वो कैंसिल हुआ। तो छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अगला राइड कहाँ पर है। तो अगला राइड होने वाला है हमारा, पता नहीं कहाँ, बट होने वाला है ज़रूर। और आज तो फिलहाल हम जा रहे हैं टैंक बैग लेने, एक टैंक बैग की सख्त ज़रूरत है मुझे। और मुझे ऐसा लगता है कि राइनॉक्स का जो टैंक बैग है वो थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो आज हमारा प्रेफरेंस फर्स्ट टाइम राइनॉक्स की ओर गया है। और ग्लव्स मैंने अभी तक पहने नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाके पहनूंगा ग्लव्स। तो आई होप ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा आता होगा, मैंने थोड़ा ऑडियो में चेंजेस किया है कि ताकि वो थोड़ा और क्लियर आए, आई डोंट नो, लेट्स होप फॉर द गुड। तो ये बेसिक राइड होने वाला है ऑडियो टेस्ट का भी। तो चलो भाई, आज का है हमारा डेस्टिनेशन राइनॉक्स थाने। अरे घर से निकलते ही ट्रैफिक फुल। तो गाइस फ्यूल भरने की ज़रूरत है नहीं, फ्यूल तो हमारे गाड़ी में है, फुल है टैंक। तो फटाफट थाने जाते हैं, टाइम बज रहे 12:10। तो 12:10 मतलब मैं रिटर्न आ जाऊँगा 2 बजे तक घर पे वापस। होप द ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड। और गाइस आप लोगों ने पिछले वीडियोस में जो सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहना, इस वीडियो को भी एंड तक देखना गाइस। आप लोग इतना ही सपोर्ट करो कि वीडियो पूरा देखो और सब्सक्राइब ठोकते जाओ। 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, 80% लोगों ने गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार सब्सक्राइब करो, हमको भी अच्छा लगेगा। ओके गाइस, तो ट्रैफिक से बाहर आ चुके हैं और हमने ग्लव्स भी पहन लिए हैं, ग्लव्स बाय राइनॉक्स, एंड वी आर गोइंग टू राइनॉक्स। बाय द वे गाइस, ये ग्लव्स सिटी के लिए बहुत सही है और मेन तो ऑफ रोड के लिए सही है, क्योंकि लाइट वेट है और कुशनिंग भी थोड़ी हल्की हल्की कम है। बट कुशनिंग कम होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ग्लव्स पहन के ग्रिप, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सेफ्टी। तो अभी सिटी में तो हम ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं नहीं, और ये रोड भी ऐसी है कि इधर यहाँ 50-60 पे ही चलाना पड़ता है। बट बाकी यहाँ पे नज़ारे यार एक नंबर। तो ट्रैफिक से निकल के हम पहुंच चुके हैं बाईपास हाईवे पे, और बस गए, ये बाईपास हाईवे खत्म होते वापस ट्रैफिक में घुसना है। और बस ये आगे नज़ारे यार, इस रोड पे वही एक सीन, पहाड़ों के बीच से जा रहे अपन। और गाइस पिछला राइड कैंसिल करने का जो रीज़न था, वो रीज़न ये था कि यार न्यू ईयर था, मुझे तो राइड करना था न्यू ईयर पे, बट प्रॉब्लम ऐसा हो गया, एक तो काम आ गया, चलो काम का तो बहाना है, मतलब काम तो मैं ऑन द गो भी कर सकता हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि जो होटल्स थे
सब जगह पे, अहमदाबाद, जैसलमेर, जोधपुर, जहाँ जहाँ पे मैं रुकने का प्लान बनाया था वहाँ सब जगह पे होटल्स का कॉस्ट अराउंड भाई 7,500 to 10,500 के बीच के रेंज में था यार। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव राइड हो जाता है, मतलब डबल कॉस्ट हो रहा था सिर्फ होटल्स की वजह से। पूरे राइड का बजट जो था, मैंने सोचा था 25,000 के अंदर वापस आ जाऊँगा मैं, बट फिर 25,000 से बजट कुछ अराउंड 40,000 चला जा रहा था, क्योंकि राइड भी छोटा नहीं है। जैसलमेर का राइड होता तो ये पूरा राइड होता अराउंड 2,500 किलोमीटर्स का, तो ये कम से कम 7-8 दिन का तो राइड होता। तो 7-8 दिन में कम से कम 40,000 खर्चे हो जाते, इसके लिए वो राइड कैंसिल करना पड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न। और दूसरा रीज़न तो ये भी था कि काम भी आ गया था थोड़ा, तो हमने काम ख़त्म कर लिया है और हम वापस राइड्स करने के लिए रेडी हैं। बस अगला ही ब्लॉग, इसके बाद वाला जो ब्लॉग गिरेगा वो भी राइड वाला ही होगा। और ये सारी छोटी छोटी तैयारी है गाइस राइड की, टैंक बैग खरीदना, एक एक करके सामान खरीदने पड़ रहे हैं। पिछले 6 महीने से मैं हर महीना कुछ ना कुछ खरीद रहा हूँ, तो मज़ा भी आ रहा है ऐसा। इस प्रोसेस को मैं मज़े में ले रहा हूँ, मतलब बहुत कि आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग ऑर्डर न्यू राइडर। सो दिस इज मुमरा क्रीक गाइस मेरे राइड में, और उसके पहले रेलवे की पटरी, और ये साइड भी रेलवे की पटरी। तो चलो गाइस आप लोगों को मिलता हूँ मैं डायरेक्ट अभी राइनॉक्स स्टोर पे। पहले मैं बीच में कहीं पे रुक के मैप लगा लूँगा। ये रहा राइनॉक्स का स्टोर, अब यहाँ पे पार्किंग अलाउड है कि नहीं पता नहीं भाई। लेट्स गो, पहले पूछना पड़ेगा यार यहाँ पे पार्किंग है कि नहीं, नहीं तो उठा के लेके जाएंगे मेरी बाइक। गाइस दिस इज द राइनॉक्स स्टोर, तो आज चलो चल के लेते हैं हमारा टैंक बैग। यस दिस इज द स्टोर। सर टैंक बैग लेना था। लेट्स टेक द टैंक बैग, फिर मिलते हैं। सो ये है टैंक बैग, टैंक बैग ले लिया है हमने, और ये टैंक बैग इतना बड़ा है कि हेलमेट भी बैठ जाएगा इसके अंदर। तो दिस इज महेश सर, तो महेश सर हेल्प मी एंड रोहन सर। तो बस ले लिया है टैंक बैग, अब निकलते हैं और फिर कल सुबह निकलना है राइड पे। चलो तो सर ट्रायल करके दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो ये रहा राइनॉक्स स्टोर, ये हमने अभी ख़रीदा टैंक बैग। दिस कॉस्टेड मी 3,575 एंड महेश एंड रोहन सर हेल्प मी फॉर चूजिंग दिस बैग, एंड थैंक्स टू राइनॉक्स सर, इतना अच्छा बैग बनाया और मज़ा आ गया। तो चलो लेट्स गो होम, घर पे जाना है और तैयारी करना है कल के राइड के लिए। तो मेन तो हम कल करने वाले हैं राइड। तो गाइज मैं बताता हूँ आप लोगों को सिग्नल पे खड़े खड़े अगले 25 सेकंड में कि मैंने ये बैग क्यों खरीदा।
ये बैग ख़रीदने का सबसे पहला रीज़न था कि ड्रोन ड्रोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ड्रोन एक्चुअली है मेरे दोस्त का, तो मुझे ड्रोन हमेशा सेफ रखना था। और जैसा होता है कि सैडल बैग में ड्रोन रखने से हो रहा था, ये जब मैं ड्रोन निकालता था तो उसमें सेट किए हुए पूरे कपड़े ख़राब हो जाते थे, ख़राब इन द सेंस सेटिंग बिगड़ जाती थी। तो उससे क्या होने लगा कि फिर मुझे पूरा बैग सेट करना पड़ता था, और फिर ड्रोन सेट करना पड़ता था, और फिर अपने कपड़े सेट करो। तो उसमें क्या हो जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था मेरा एक ड्रोन शॉट के लिए। और बाकी के मेरे एक्सेसरीज जो भी थे, मुझे जैकेट के पॉकेट में रखना पड़ता था, या तो फिर मेरे को कार्गो पहनता हो तो कार्गो के हर पॉकेट में कुछ ना कुछ सामान है। तो नाउ देयर इज़ माय टैंक बैग। तो ठीक है, ये टैंक बैग से क्या हो जाएगा, मेरा सारा सामान इसमें आ जाएगा, और प्लस मैं जहाँ भी जाऊँगा, मतलब जब भी बाइक भी चलाऊँगा, तो मैं एम्प्टी पॉकेट्स रहूँगा, मतलब खाली खाली रहेगा पूरा। और ये बैग है, बैग तो मैग्नेटिक है, तो इतना कुछ शॉर्ट नहीं है। तो अब फ़िलहाल टाइम है 1:40, तो करीब करीब 2:30 बज जाएंगे घर के आसपास पहुँचते पहुँचते, 2:30 तो बज ही जाएंगे मेरे हिसाब से, तो 2:30 बज जाएंगे घर पे पहुँचते पहुँचते। तो चलो निकलते हैं घर। और यस गाइस, कल हम जा रहे हैं एक अच्छी खासी राइड पे, इन दिस राइड मैं बताऊंगा कल, मतलब कल जाने के अगले व्लॉग में कि कौन कौन जा रहा है। तो भाई मज़ा आने वाला है, मच अवेटेड राइड था ये इस विंटर का, बट फिलहाल यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। बट कोई नहीं, आज इतना ट्रैफिक में चला रहे, कल उतना ही खुले में चलाने मिलने वाला है बाइक। तो गाइस, आप लोग अगर व्लॉग देख रहे हो तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि गाइस व्लॉग्स पूरे देखना, इससे बस मेरी एक ही हेल्प हो जाती है कि हमारा जो एवरेज ड्यूरेशन होता है व्यू वाला, तो वो अच्छा रहता है, तो हमारी रीच बढ़ती है। आप लोग कमेंट करोगे तो हमारी रीच बढ़ती है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करो, जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है वो कमेंट करो। वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो देख के कुछ तो आता होगा ना मन में कि यार आप लोगों को भी जाना है, या फिर अरे तू क्यों जा रहा है इतने लंबे मेरे में तो खुजली है भाई, मैं तो जाऊँगा, और आप लोग भी आ सकते हो मेरे साथ भाई, बस इंस्टा पे मैसेज करने की देरी है। अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक होता है, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और मतलब इंस्टा पे भी फॉलो कर लो गाइस। और यही है कि भाई आप लोग कमेंट करोगे ना तो हमारे वीडियो का रीच बढ़ता है, दैट्स ऑल। तो बस फिर आप लोग अगर यहाँ तक इस वीडियो को भी देख रहे हो तो गाइस थैंक्स अ लॉट। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते गाइस। कर्नाटक वाला राइड था ना, दैट वाज एन एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मतलब सोलो राइड करना। गुजरात ठीक था, मतलब सर जब तक कर्नाटक का राइड मारा नहीं था तब तक आई वाज वेरी क्या बोलते हैं उसको, वेरी आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि मैंने इतना लंबा राइड किया। बट नहीं यार, वो तो छोटा सा था, जब मैंने कर्नाटक राइड ख़त्म किया ना, यही होता है गाइस कि एक एक माइलस्टोन क्लियर हो रहे हैं मेरे, एक एक माइलस्टोन बोले तो, अभी मैंने कर्नाटक का राइड ख़त्म किया, दैट वाज एन अनदर माइलस्टोन। अब मेरा इसके बाद एक और माइलस्टोन है जिसके लिए प्लानिंग भी चल रही है, नॉट अबाउट द टुमारोज राइड, मतलब जो अगला व्लॉग होगा वो वाले राइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक इससे भी अच्छा, मतलब कम से कम 3,500 किलोमीटर वाला राइड करना है। तो वो राइड ऐसे भी नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, दिन में कितना किलोमीटर चलाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। बट एट दी एंड वही है कि आपको सब प्लान करने में टाइम लगता है, और प्लस काम, यूट्यूब से तो पैसे आते हैं नहीं, तो पैसे कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। नई नवेली ब्रिज पे से यू टर्न भी नहीं है, गोल टर्न है भाई, सर्कल है भाई पूरा का पूरा। ये देखो अभी यहाँ से गए, अरे यार
देखो पूरा सर्कल मारा, पूरा सर्कल से भी ज्यादा हो गया। अब घूम ही रहे, अभी भी गोल ही घूम रहे अपन। और ये हो गया ब्रिज सीधा। अरे मस्त बनाया इन लोगों ने। तो अगर यहाँ से गए ऊपर से तो नवी मुंबई आता है, और अभी यहाँ से मैं जो जा रहा हूँ वहाँ से मुंब्रा आता है, कलवा आता है। तो मुंब्रा कलवा का भी वही सीन है कि थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, बट नेवरदलेस यार थोड़ा नज़दीक है ये जगह। पहुंचना था, और ये रहा हमारा बैग। तो काफ़ी बड़ा बैग है यार, मस्त बैग है, और इसमें मेरा सारा ड्रोन आ जाएगा, मेरे यूटिलिटी के सामान आ जाएंगे। तो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बैग। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। और बस अभी हम थोड़ा एडिट का काम बाकी है, वो काम कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कल सुबह 3:30 के अराउंड हम लोग निकलेंगे एक नई राइड के लिए। तो वो व्लॉग देखना भी मत भूले, और भाई सपोर्ट करना, गाइस सपोर्ट करना प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय गाइस, एंड गाइस राइड सेफ, और हमेशा हेलमेट पहनो भाई, हेलमेट यार, हेलमेट बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।